वेलकम टू द आशिमार शो। सबके मन में इस समय है ये लाख टके का सवाल, क्या 14 अप्रैल के बाद मिलेगी लॉकडाउन से राहत। जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, केंद्र और राज्य सरकारें भी इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। कोविड-19 को लेकर बने मंत्री समूह की मंगलवार को बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग ने कुछ सुझाव दिए, जैसे कि ऑड इवन लागू करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों की संख्या तय करने आदि, जैसे कुछ सुझाव सामने आए। ऐसे भी सुझाव सामने आए कि मॉल्स और स्कूल्स को 15 मई तक बंद रखा जाए और धर्म स्थलों पर भी रोक जारी रहे। मुख्यमंत्रियों ने यह साफ किया कि 14 अप्रैल के बाद आप एक राज्य से दूसरे राज्य बिना रोक टोक के नहीं जा पाएंगे। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि स्टेट बॉर्डर्स खोलने का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूपी सरकार द्वारा कोरोना वायरस के चलते उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को पूरी तरह से सील किया जाएगा, तो जायज है कि ये यूपी के हॉटस्पॉट्स हैं, तो लॉकडाउन के खुलने से यहाँ लोगों को राहत नहीं मिलेगी, यहाँ सख्ती रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी संकेत दिए हैं कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। सामाजिक आपातकालीन जैसी स्थिति है तो ऐसे में मुश्किल फैसले लेने जरूरी हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगी क्या है इस लॉकडाउन को लेकर सरकार की नीति, कब तक आएगा आखिरी फैसला। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार का लॉकडाउन खोलना या ना खोलने का फैसला किन आधारों पर लिया जाएगा। सबसे पहला, जो कि सबसे अहम है, क्या लॉकडाउन खोलने का मतलब है हमारे देश की करोड़ों की जनसंख्या को जोखिम में डालना। दूसरा, इकोनॉमी पर इस लॉकडाउन के आगे बढ़ाने से कितना फर्क पड़ेगा। तीसरा, अगर लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया, उद्योग जगत पर क्या असर पड़ चुका है और कितना पड़ सकता है। चौथा, गरीब मजदूरों के हालात क्या है, उन तक सहायता पहुंच पा रही है या नहीं। और पांचवा, आयात निर्यात को लेकर दूसरे देशों के साथ क्या स्थिति है। तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि सरकार क्या सोच रही है, कैसे खोला जाएगा ये लॉकडाउन। हाल ही में आए मुख्यमंत्रियों के बयानों से राज्य सरकारों की मंशा साफ नजर आती है कि 14 अप्रैल के बाद देश भर में एक साथ लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है। उन्हीं इलाकों में लॉकडाउन को हटाया जा सकता है जहां अभी तक एक भी कोरोना वायरस का मामला सामने नहीं आया हो। लेकिन इस तरीके की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि दूसरे प्रभावित इलाकों से लोग वहां अगर चले जाते हैं तो बात बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए जो हमारे देश के हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनके ऊपर कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। हेल्थ मिनिस्ट्रीज ने इलाकों की पहचान की है और स्थिति को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, ताकि इन हॉटस्पॉट एरिया से कम्युनिटी ट्रांसमिशन को टाला जा सके। दिल्ली के निजामुद्दीन और दिलशाद गार्डन, नोएडा, मेरठ, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, केरला के 2 डिस्ट्रिक्ट्स आदि, ये हॉटस्पॉट्स बदलती परिस्थिति के साथ लगातार बदलते रहते हैं। अभी तक भारत में कुल 21 हॉटस्पॉट है और इन हॉटस्पॉट एरियाज को 14 अप्रैल के बाद भी दूसरे इलाकों से पूरी तरह कट ऑफ रखने की जरूरत होगी, जिसका मतलब वहां की सभी बसेस, ट्रेन्स और फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो जायज है कि जिन जगहों पे कोरोना के मरीज नहीं है वहां भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोला जाएगा। अब बात करते हैं कि देश के कितने जिलों में मिले हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे देश में कुल 274 जिलों में कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। देश भर में 700 से ज्यादा जिले हैं। यदि हॉटस्पॉट एरिया में लॉकडाउन हटा दिया गया तो कोविड-19 के मरीज की संख्या एकदम से कई गुना बढ़ जाएगी। इस सिचुएशन को देखते हुए जिन जगह पे कोरोना का मामला कोई सामने नहीं आया है वहां धीरे धीरे लॉकडाउन हटाया जा सकता है। ऐसे में लगता है कि 14 अप्रैल के बाद करीब 450 जिलों में लॉकडाउन की ढील दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि सरकार किस आधार पर करेगी फैसला। 10 अप्रैल से 12 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार के पास ज्यादा डेटा आ जाएगा, तब स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि लॉकडाउन का कितना असर पड़ा है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल जी ने जानकारी दी कि लॉकडाउन कब और कैसे खत्म होगा, इस पर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। असल में होगा क्या, ये आने वाले कुछ दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा। आओ मिलकर इस वायरस से लड़ते हैं, वायरस संबंधित जरूरी बातों का ध्यान रखें। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपका कुछ सवाल हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द आशिमा शो पर मैसेज करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।